वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज आपको महिम दरगाह शरीफ की जियारत इंशाल्लाह कराएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप बाखूबी देख सकते हैं कितना सुहाना नज़ारा है, कितना सुहाना पल है। आप अगर जो मुंबई मखदूम शाह बाबा की दरगाह की जियारत कभी किए हों या आए होंगे या नहीं भी आए, तब आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में आपकी जियारत हम इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। दरगाह शरीफ जाने के लिए मेन रास्ता है, मेन गेट है, एंट्री यहीं से होती है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मखदूम शाह बाबा की दरगाह शरीफ के जाने के लिए यही रास्ता है। आप देख सकते हैं साइड साइड में फूल, चद्दर, अगरबत्ती की दुकानें जो है बाखूबी कितनी खूबसूरत लगी हुई हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा पल है। लोग जो है यहाँ से चद्दर शरीफ जो है ख़रीद के ले जा रहे हैं बाबा की दरगाह पे पेश करने के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़्यादा भीड़ है दरगाह शरीफ पे, लोग जियारत करने के लिए जो है चद्दर शरीफ ले रहे हैं। लेने के बाद दरगाह शरीफ पे पेश करेंगे चद्दर शरीफ। यही मेन रास्ता है दरगाह शरीफ जाने के लिए। मुंबई आए और माहिम दरगाह की जियारत ना करें ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लोग दिल में तमन्ना लेके आते हैं कि माहिम दरगाह शरीफ की मैं जियारत करूंगा मुंबई जाने के बाद। दरगाह शरीफ का ये वजू खाना है, लोग यहाँ से वजू करने के बाद दरगाह की जियारत करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत वजू खाना है, कितना अच्छा इसमें पानी भरा हुआ है, लोग जो है वजू कर रहे हैं, मछलियां तैर रही हैं, कितनी खूबसूरत मछली है, कलर कलर की मछली है, तरह तरह की मछली है इस वजू खाने में। शायद आपने ऐसा वजू खाना कहीं देखा होगा, ऐसा नहीं कि कहीं आपने वजू खाना नहीं इस तरह देखा होगा, बहुत से देखे होंगे, पर इस वजू खाने की कुछ बात ही अलग है, शान ही अलग है। वजू खाने के साइड साइड में लोग जो है बैठकर वजू कर रहे हैं। वजू करने के बाद ये लोग जो है दरगाह शरीफ की जियारत करेंगे। वजू मुकम्मल हो चुका है, हम भी जो है दरगाह की तरफ जा रहे हैं दरगाह शरीफ की जियारत करने के लिए। दरगाह शरीफ जाने के लिए ये दूसरा रास्ता है, इधर से भी दरगाह शरीफ जाकर जियारत किया जाता है। लोग देखो दरगाह शरीफ जा रहे हैं अंदर जियारत करने के लिए। आप इधर देख सकते हैं दरगाह शरीफ के ये चौखट है, ये मेन गेट है, एंट्री गेट है, यही गेट से लोग जो है आते हैं दरगाह शरीफ की जियारत करने के लिए। इसके साइड में आप देख सकते हैं फूल चद्दर की दुकानें भी लगी हुई हैं। ये खजाना है, गल्ला है, जो आप जो है अपनी खुशी से जो है उसमें डाल देते हैं, वो जो है सारा पैसा इकट्ठा करके जुमेरात के दिन नियाज हो जाता है सारे पैसे को, या बाबा की दरगाह शरीफ में मरम्मत में लगा दिया जाता है। आप दरगाह शरीफ देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह खूबसूरत दरगाह शरीफ है, कितना अच्छा मीनार है, कितना अच्छा ये आस्ताना है। आप बाबा मखदूम शाह माहिम मुंबई की दरगाह शरीफ की जियारत कर सकते हो बाखूबी इस वीडियो की माध्यम से। लोग जो है दरगाह शरीफ की जियारत करने के बाद इस गेट से वापस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा गेट है, इधर से वापस आने का रास्ता है, जाने के लिए दूसरा रास्ता है। आप दरगाह शरीफ की चारों ओर इर्द गिर्द से देख सकते हैं, चारों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे अगरबत्ती लोग सुलगाते हैं, ये आप दुकान देख सकते हैं, चद्दर फूल, और इधर से लेकर जाते हैं लोग दरगाह शरीफ पे चद्दर फूल पेश करने के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दरगाह शरीफ है, कितना अच्छा मीनार है, कितना अच्छा। Allah
माशाअल्लाह हम लोग जो है दरगाह शरीफ के अंदर आ चुके हैं, बाबा की दरगाह की जियारत करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दरगाह है। आप बाबा मखदूम शाह के मज़ार मुबारक की जियारत कर सकते हैं। यहाँ का मंजर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दरगाह माशाअल्लाह दिख रही है, कितना अच्छा फूल पेश किया गया है। लोग जो है जियारत करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं बाबा मखदूम शाह की। जो मुंबई आता है वो बाबा की जियारत किए बिना जाता नहीं है। दरगाह शरीफ के पीछे का समंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत समंदर है। समंदर के किनारे लोग जो है टहल रहे हैं।